हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एल्डिहाइड कीटोन के रिएक्टिविटी की बात करेंगे। आपको याद होगा कि एल्डिहाइड कीटोन जो दोनों होता है उसमें सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप जो होता है वो कॉमन होता है, जिसको हम लोग कार्बोनिल ग्रुप भी बोलते हैं। जैसे आप देखिए, यहाँ पे आपके पास एक एल्डिहाइड है और यहाँ पे आपके पास एक कीटोन है। दोनों ही सिचुएशन में आपको सी डबल बॉन्ड ओ यानी कार्बोनिल ग्रुप मिलता है। अब ये जो ग्रुप है बेसिकली पोलर होता है। अगर आप सी डबल बॉन्ड ओ का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए तो एक इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो सकता है, यानी ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे तीन लोन पेयर हो जाएगा और इस कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज। यानी इस कार्बोनिल ग्रुप का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें ऑक्सीजन पे सफिशियंट निगेटिव चार्ज है और कार्बन पे फुल फ्लेज पॉजिटिव चार्ज है। यानी इसका जब रेजोनेंस हाइब्रिड आप लिखिएगा तो आप कह सकते हैं कि इस ऑक्सीजन पे थोड़ा निगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आएगा। यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो इस ग्रुप में एक डाइपोल मोमेंट डेवलप हो जाएगा, और यानी कि आप डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं, म्यू का वैल्यू निकाल सकते हैं अगर आपको चार्ज और डिस्टेंस पता हो तो, क्योंकि डाइपोल मोमेंट क्या होता, चार्ज टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। दूसरे शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि इस केस में सी डबल बॉन्ड ओ जो है वो एक पोलर बॉन्ड है, यानी इसमें पोलरिटी डेवलप हो गया है, ये एक पोलर बॉन्ड है। अब दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि इसके ऊपर यानी सी डबल बॉन्ड ओ के ऊपर किस चीज़ का अटैक होगा, यानी किस टाइप का रिएक्शन होगा। चूँकि हम लोग रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो हमको देखना पड़ेगा कि कैसा रिएक्शन होगा। तो चूँकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो कोई निगेटिव चार्ज वाला स्पेसिस जैसे कि न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक कर दे और ए वाला बॉन्ड जो है खुल जाए, ऑक्सीजन पे बाद में जा कर के एक इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाएगा। तो छोटे शब्दों में कहें तो हम लोग कुछ ऐसे कह सकते हैं, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ है, न्यूक्लियोफाइल आपके पास है, ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दे, आपके पास कहीं से इलेक्ट्रोफाइल आ जाए तो ए जो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आए बाद में जा कर के एक इलेक्ट्रोफाइल ले ले, तो कुछ फाइनल प्रोडक्ट आपका ऐसा बनेगा, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा और कार्बन से न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक किस पे आसानी से होगा, एल्डिहाइड पे कि कीटोन पे। वही आपको बताएगा कि एल्डिहाइड कीटोन में किसका रिएक्टिविटी ज़्यादा है। तो आप देखिए, एल्डिहाइड में एक साइड में आर ग्रुप है, एक साइड में कार्बन, एक साइड में हाइड्रोजन है, तो आर ग्रुप तो इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी कार्बन पे जो प्लस चार्ज है उसको ख़त्म कर रहा है। अगर कीटोन देखिएगा तो इसमें दोनों साइड से आर ग्रुप लगा हुआ है, यानी इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है कार्बन पे वो बहुत ही ज़्यादा ख़त्म हो रहा है, यानी एल्डिहाइड जो है उसके कार्बन पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है कीटोन की तुलना में। यानी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के फैक्टर पे देखें तो एल्डिहाइड पे ज़्यादा आसानी से अटैक होना चाहिए, यानी हम कहें एल्डिहाइड जो है ज़्यादा रिएक्टिव है कीटोन की तुलना में। यानी हम चार्ज के बेसिस पे कह सकते हैं, चार्ज कहिए या फिर इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे कहिए, इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे कहिएगा तो आप कहिएगा कि जो एल्डिहाइड है RCHO मोर रिएक्टिव देन कीटोन, एल्डिहाइड जो है ज़्यादा रिएक्टिव है कीटोन से। एक दूसरा तरीका भी हो सकता था इसी चीज़ को देखने के लिए, वो है एस्टेरिक फैक्टर। एस्टेरिक फैक्टर, तो एस्टेरिक फैक्टर भी इसी बात को सपोर्ट करता है। जैसे यहाँ हाइड्रोजन है एक छोटा सा ग्रुप है, यहाँ अल्काइल ग्रुप एक बड़ा सा ग्रुप है, यानी न्यूक्लियोफाइल जो है इस कार्बन पे अटैक करने में थोड़ा दिक्कत होगी, मगर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हाइड्रोजन एक बहुत ही छोटा एटम है। यानी कि एस्टेरिक फैक्टर के बेसिस पे भी अगर आप देखिएगा तो एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी जो है वो कीटोन से ज़्यादा होगा। यानी हम लोग रिएक्टिविटी में कहें तो एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होगा,
चाहे तो इंडक्टिव फैक्टर के बेसिस पे देखिए, चाहे तो स्टेरिक फैक्टर के बेसिस पे देखिए, और ओवरऑल बेसिकली दोनों फैक्टर को आपको मिला के देखना चाहिए। एक स्पेशल टाइप का एल्डिहाइड है जिसमें आर एच हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। इस एल्डिहाइड में देखिए, ये फॉर्मल्डिहाइड है, इधर इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है, इधर भी इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है, यानी कि ए एल्डिहाइड तो है एल्डिहाइडों में से भी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो सबसे रिएक्टिव ज़्यादा है वो फॉर्मल्डिहाइड है। तो एक हम रिलेटिव रिएक्टिविटी का ऑर्डर बना सकते हैं, रिलेटिव रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो है वो फॉर्मल्डिहाइड होगा, इसके बाद कोई दूसरा एल्डिहाइड होगा, और इसके बाद आपका कीटोन का ऑर्डर आएगा। तो इस बात को समझने के लिए एक दो एग्जांपल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी कि कहिए तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है। एक कंपाउंड है, दूसरा ए कंपाउंड है, और तीसरा आपका ए कंपाउंड है, सी डबल बॉन्ड ओ सी एच, और इधर सी एच थ्री ग्रुप लगा हुआ है, इधर भी सी एच थ्री ग्रुप लगा हुआ, सेम चीज यहाँ सी एच थ्री ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ सी एच थ्री ग्रुप लगा हुआ, आपको बताना कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो इस केस में देखिए, हर केस में कीटोन है, मेनली आपको एस्टेरिक फैक्टर के बेसिस पे डिसीजन लेना पड़ेगा। यहाँ पे छोटे छोटे ग्रुप लगे हुए हैं दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप, और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, यानी तीसरे पोजीशन में यानी तीसरे कंपाउंड में न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो बहुत ही मुश्किल है, इसलिए कहेंगे पहला का जो रिएक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा है, दूसरा का कम, क्योंकि एक साइड में छोटा अल्काइल ग्रुप है और दूसरे साइड में बड़ा अल्काइल ग्रुप है। यानी सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी वन का है, उसके बाद टू का है, उसके बाद आपका तीसरे कंपाउंड का रिएक्टिविटी है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, तो ये आपका स्टेरिक फैक्टर का एग्जांपल था। दूसरे केस में मान लीजिए आपको कीटोन है, यहाँ पे पीएच ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे CH2Cl है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे pH है। तो देखिए दोनों ही कंपाउंड क्या है, कीटोन है। कहाँ अंतर है, यहाँ पे बेसिकली Br ग्रुप लगा हुआ है, Br एटम लगा हुआ, तो आपको बताना कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो क्या आपको खोजना पड़ेगा क्या अंतर है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा शो करेगा ब्रोमीन की तुलना में, यानी इस कार्बन पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी इस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर सकता है, यानी इस कंपाउंड का जो रिएक्टिविटी है दूसरे वाले कंपाउंड से ज़्यादा है। तो अभी हमने दोनों फैक्टर देखा, आपका स्टेरिक फैक्टर, साथ ही साथ में इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, और दोनों के बेसिस पे रिएक्टिविटी को देखा। तो इसी चीज़ को हम लोग ट्रांजिशन स्टेट से भी देख सकते हैं, जहाँ पे कि हम लोग एनर्जी डायग्राम बना के देख सकते हैं। तो चलिए एक बार हम लोग ट्रांजिशन स्टेट से भी इसी रिएक्टिविटी को समझने की कोशिश करते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। तो आपके पास मान लीजिए कोई एक कीटोन है, इस केस में न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा, अभी कार्बन sp2 है, मगर जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये जो कार्बन है आपका अब टेट्राहेड्रल हो गया, यानी sp3 हो गया, यानी जब इसका ट्रांजिशन स्टेट होगा उसमें कैसा कार्बन होगा, ये बेसिकली टेट्राहेड्रल शेप होगा। एक R ग्रुप आपका इधर है और दूसरा R ग्रुप आपका इधर है, R डैश, और एक O माइनस यहाँ है, एक न्यूक्लियोफाइल यहाँ है। तो क्या होगा कि ट्रांजिशन स्टेट में ये दोनों जो अल्काइल ग्रुप है एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि ट्रांजिशन स्टेट के एनर्जी को क्या करेगा, ये एनर्जी को बढ़ा देगा। अगर आप एल्डिहाइड लेते तो यहाँ पे R डैश हाइड्रोजन होता, वहाँ पे एनर्जी उतना नहीं बढ़ता, मगर कीटोन है, R एंड R डैश का जो रिपल्सन है, अल्काइल अल्काइल ग्रुप का जो रिपल्सन है, एस्टेरिक फैक्टर है, ट्रांजिशन स्टेट के एनर्जी को काफ़ी बढ़ा देगा। और अल्काइल ग्रुप
जो कीटोन है उसको स्टेबलाइज कर रहा, दोनों इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबलाइज कर रहा। तो इसको चलिए हम लोग ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं, ट्रांजिशन स्टेट और ट्रांजिशन एनर्जी डायग्राम। तो ट्रांजिशन एनर्जी डायग्राम जब आप बनाइएगा तो हमने क्या कहा, जो कीटोन है उसको तो स्टेबलाइज कर रहा, यहाँ मान लीजिए एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड होता यहाँ पे RCHO, तो कीटोन तो ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा क्योंकि उसको स्टेबलाइज किया है इंडक्टिव इफेक्ट से, यानी उसका एनर्जी डायग्राम नीचे आ जाएगा RCOR-। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हमने बाई एक्सिस पे लिखा है और एक्स एक्सिस पे आपका स्पीसीस है, या कहिए कि रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, रिएक्शन प्रोग्रेस को हम लोग एक्स एक्सिस पे बना रहे हैं। तो एल्डिहाइड की तुलना में कीटोन जो है ज़्यादा स्टेबल होगा, रीज़न क्या हुआ, इंडक्टिव इफेक्ट। अब इसका ट्रांजिशन स्टेट बनाइए, ट्रांजिशन स्टेट मान लीजिए एल्डिहाइड का कहीं यहाँ है तो कीटोन का ट्रांजिशन स्टेट कहाँ होगा, ऊपर होगा क्योंकि स्टेरिक फैक्टर है। अब देखिए इनर्जी अगर डायग्राम बनाइएगा या डिफरेंस देखिए, ए हो गया आपका कीटोन के लिए और ए हो गया आपका एल्डिहाइड के लिए। अगर डिफरेंस देखिए तो एल्डिहाइड के लिए इतना ही इनर्जी का डिफरेंस है और कीटोन में जो यही डिफरेंस है ज़्यादा है, यानी कीटोन को ज़्यादा एनर्जी चाहिए आपको ट्रांजिशन स्टेट के बैरियर को क्रॉस करने के लिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इनर्जी डायग्राम के बेसिस पे भी हम लोग कह सकते हैं कि कीटोन जो है एल्डिहाइड से कम रिएक्टिव है, तो कीटोन आपका जो है लेस रिएक्टिव है एल्डिहाइड की तुलना में, एल्डिहाइड क्योंकि उसका जो एनर्जी का डिफरेंस है, यानी ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा कीटोन को उसके ट्रांजिशन स्टेट के बैरियर को पार करने के लिए। तो हमने देखा कि जो एल्डिहाइड होता है वो कीटोन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। बेसिकली एल्डिहाइड का या एसिड का जो डेरिवेटिव्स होता है वो एल्डिहाइड से भी ज़्यादा रिएक्टिव होता है। एसिड डेरिवेटिव वाले चैप्टर में हम लोग उसको रिएक्टिविटी को भी कंपेयर करते हैं और एक एक्सटेंडेड लिस्ट देते हैं। तो उसमें क्या होता है, एसिड का जो क्लोराइड है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उससे ज़्यादा रिएक्टिव एसिड का एनहाइड्राइड है और फिर उससे ज़्यादा रिएक्टिव आपका एल्डिहाइड है और उससे ज़्यादा रिएक्टिव आपका कीटोन है। और कीटोन ये उल्टा बोल रहे हैं हम, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, इससे कम रिएक्टिव जो है वो है एस्टर और इससे कम रिएक्टिव एमाइड है और इससे कम रिएक्टिव RCOO- है। तो कहने का मतलब है इधर की तरफ रिएक्टिविटी आपका बढ़ रहा है, इधर की तरफ रिएक्टिविटी बढ़ता जा रहा। एक जो है एसिड क्लोराइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, दो उससे कम है, तीन उससे कम है, चार उससे भी कम है, पाँच जो कि आपका एस्टर है उससे कम है, छः एमाइड उससे कम है और सबसे कम आपका एसिड का एनायन है, यानी सातवें नंबर पे एसिड का एनायन आ गया। तो इस वीडियो में देखा कि आपने एल्डिहाइड कीटोन के रिएक्टिविटी को कैसे कंपेयर करते हैं। रीज़न बस सिंपल है, स्टेरिक फैक्टर, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर आपको देखना है और इसके बेसिस पे आप बता सकते हैं। एसिड के डेरिवेटिव में चूंकि रेजोनेंस होता है, यहाँ पे रेजोनेंस है, यहाँ पे माइनस है, इस सब फैक्टर को लेते हुए हम लोग इस लिस्ट को बनाते हैं जो कि हम लोग एसिड के डेरिवेटिव वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ते हैं। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एल्डिहाइड कीटोन के कुछ और बातें करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।